वेलकम टू एग्नो फेयर, मैं KS मिश्रा। देखिए, अभी हाल ही में ये न्यूज़ सामने आ गई है कि इंडियन एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट आस्क स्टूडेंट टू स्टेइंग होम। ठीक है, इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अटैक्ड इन किर्गिस्तान। तो अब ऐसे में क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने उन लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि भैया आप घर में ही रहो, बाहर मत निकलो, इंडोर रहो, और बाकी अगर किसी तरह की भी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो आप एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करो। एम्बेसी ने क्या किया है, नंबर भी जारी किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे, और ये टॉपिक आपके जो है GS2 IR से भी संबंधित है, और IR के अलावा ये जो है GS3 में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर ये इंक्लूड हो सकता है आपके, बहुत जगह आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। देखिए, बेसिकली क्या हुआ है कि अचानक से न्यूज आई है कि यहाँ दोनों देशों की सरकारों ने क्या किया, स्टूडेंट्स को ये बोला है कि भैया आप घर में रहो, बाहर मत निकलो, और बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स पे अटैक हो रहे हैं जो एक्चुअल में MBBS करने के लिए भारत और पाकिस्तान से कहाँ गए हुए थे, किर्गिस्तान गए हुए थे। ठीक है, अब एक बार हम इससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार किर्गिस्तान की लोकेशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान के नॉर्थ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये किर्गिस्तान स्थित है, ये वाला किर्गिस्तान का एरिया है। ठीक है, अब किर्गिस्तान की अगर मैं बात करूं तो 1991 के पहले ये था ही नहीं। ठीक है, 1991 के पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, कोई अस्तित्व नहीं था। जब USSR का विघटन हुआ है तो USSR के विघटन के बाद में ये सामने आया है। ठीक है, ये सामने आया है किर्गिस्तान। आप देखिए, किर्गिस्तान के बारे में अगर बात करूं तो इसकी जो राजधानी है, राजधानी किसी को पता है क्या है, कमेंट में बताइए। राजधानी इसकी बिश्केक है। ठीक है, बिश्केक इसकी राजधानी है। और यहाँ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर लगभग में 90% जो आबादी है वो मुस्लिम है। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि 90% आबादी मुस्लिम होने के बाद भी यहाँ का जो सांविधानिक स्टेटस है, वो अगर सांविधानिक स्टेटस देखा जाए तो सेकुलर है, क्योंकि यहाँ का कहीं भी ये नहीं मेंशनड है कि ये एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ का सांविधानिक स्टेटस जो है सेकुलर है, ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर नहीं, आप समझ लीजिए, इससे समझ लीजिए कि बात है 2023 की। ये देखिए 2023 की एक न्यूज है, और यहाँ पर जो है क्या किया था, लेजिस्लेचर में इसके लिए बहस हुई थी बाकायदा कि क्या क्या करना है। लेजिस्लेचर में बहस हुई थी कि जो नकाब है और नकाब के अलावा जो बुशी बियर्ड हैं वो सिक्योरिटी के लिए जो है एक थ्रेट हैं। तो ऐसे इस पे सोच लो कि मतलब एक ये देखते हुए कि जहां 90% आबादी मुस्लिम है वहां पर इस तरह की बहस की जा रही है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। और इसके अलावा ध्यान देना, जो किर्गिस्तान है वो इस बात के लिए भी चिंतित रहता है कि हमारे यहाँ क्या, जैसे तालिबान जैसे लोग हमारे यहाँ एंट्री ना करें और पता चले अफगानिस्तान जैसा हाल हमारे यहाँ भी हो जाए। इसने देखो बाकायदा जो है 2021 की न्यूज है, और 2021 में जो है न्यूज आई थी कि किर्गिस्तान कंसर्न्ड ओवर सिचुएशन इन अफगानिस्तान, और ये इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि पता चले अफगानिस्तान के लोग आके जो है हमारे यहाँ बस जाएं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो जो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, उनकी लगभग में जो वेशभूषा है वो कैसे सिमिलर होती है, किसकी तरह से, लगभग में अफगानिस्तान के लोगों की तरह। ठीक है, इनकी तरह से ही पहनावा ये पहनते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि अक्सर पिछली बार एक न्यूज प्रसारित हो रही थी कि पाकिस्तान के लोग जब किर्गिस्तान जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है, उनको ज़्यादा सुरक्षा मुद्दों के साथ मतलब स्क्रूटनी उनकी ज़्यादा की जाती है, और ज़्यादा सिक्योरिटी स्क्रूटनी के बाद ही उनको एंट्री दी जाती है। जैसे जो टूरिस्ट जाते हैं, जो पर्यटन के लिए जाते हैं, उनके साथ भी भेदभाव देखने को सामने आया। उसका रीज़न यही है, क्योंकि किर्गिस्तान इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं अफगानिस्तान से जो है तालिबान जैसे लोग हमारे यहाँ बस जाए और हमारा भी वही हाल करें जो पहले जो अफगानिस्तान का भी हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान देना। तो इस तरह से अब आइए हम ये देखने के लिए आखिरकार मामला क्या है, ये इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आखिरकार क्यों ऐसे किर्गिस्तान के लोग जो है वहाँ पाकिस्तानी और इंडियंस को जो है मारने पर तुले हुए हैं। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि मामला क्या है। तो देखिए, मामला ये है कि हाल ही में क्या हुआ था, देखो अब ये देखना हमारे लिए जरूरी है कि व्हाट लेड टू मॉब अटैक ऑन इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन किर्गिस्तानी हॉस्टल, ऐसा क्या हुआ है। तो देखिए, बाद मामला क्या है, मामला ये है कि जो है इजिप्टियन कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ इजिप्ट के स्टूडेंट थे, और इजिप्ट के स्टूडेंट्स और प्लस जो है क्या हुआ, किर्गिस्तानी जो स्टूडेंट हैं इनके बीच में क्या हुआ, झड़प हो गई। और झड़प हो गई तो इजिप्टियन स्टूडेंट्स जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने किर्गिस्तानी स्टूडेंट्स को पीट दिया, और पीटा इस तरह से कि लगभग में 27 से 28 लोग घायल हो गए। ठीक है, अब जब ये घायल हो गए तो अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक टिकटॉक पे एक न्यूज जो है प्रसारित होने लगी बहुत तेजी से, और लोगों को एकजुट किया जाने लगा, और इस बात के लिए कहा गया कि हाँ जो है भैया देखो विदेशी लोग, इसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे, और इस वजह से जो विदेशी छात्र हैं उनको यहाँ से बाहर निकालो, ये यहाँ पढ़ने आते हैं और हम लोगों को मारते हैं, ठीक है, हम लोगों के साथ विवाद करते हैं, इसलिए इनको बाहर निकालो। अब ध्यान देना,
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यह है कि जो पाकिस्तानी, ध्यान दें, जो पाकिस्तानी हैं, भारतीय हैं और इजिप्टियन हैं, इनका जो फेस है वो लगभग में सिमिलर है, एक तरह से मेल खाता है, और जो किर्गिस्तानी है उनकी उनका फेस अलग है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे जब पाकिस्तानी और जो है एक इंडियन और साथ में जो है एक इजिप्टियन साथ में खड़े हों तो आपको पहचानना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ये लोग करने क्या लगे कि जो आदमी इजिप्टियन जैसा दिखता हो उसको मारो, ठीक है, जो आदमी इजिप्टियन जैसा दिखता हो उसको मारो। और ध्यान देना, अब इसी की वजह से क्या हुआ, अभी हॉस्टल में जो है क्या कहते हैं अटैक किया गया। हॉस्टल में अटैक करने के बाद में जो है वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, उनको मारा गया। और यहाँ मारा ही नहीं गया, इस तरह से मारा गया, लौलुहान कर दिए गए। बहुत सारे वीडियो जो है आप देखेंगे तो उसमें मतलब आप देख नहीं पाएंगे, यहाँ दिखाया नहीं जा सकता, तो जो है ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा कुछ फीमेल स्टूडेंट्स जो थी उनके साथ भी बदतमीजी की खबरें सामने आई हैं, ठीक है, हॉस्टल में घुस के उनके साथ साथ बदतमीजी की गई है। अब ऐसे में इनके कंसर्न मुद्दों को देखते हुए यहाँ तक कि पाकिस्तानी जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी एक्स पर जाकर जो है पोस्ट किया और लिखा कि जो है मतलब ही वाज कंसर्न एंड रिक्वेस्टेड टू द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स, ठीक है, कि हम बहुत चिंतित हैं और हम वहाँ की स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, सॉरी वहाँ की सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टूडेंट्स की सुरक्षा कीजिए, ठीक है। यहाँ ही नहीं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं श्री जयशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट किया। खैर, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग क्लास के साथ जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और मेरी ये जो करंट अफेयर की क्लास है डेली सुबह 8 बजे लाइव होती है, और इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों तरह के जो है न्यूज का एनालिसिस किया जाता है। और न्यूज के एनालिसिस के साथ साथ यहाँ पर आपका एडिटोरियल का सेशन भी होता है, एडिटोरियल पर डिस्कशन भी किया जाता है, साथ में आपको प्रीलिम्स के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं और मेंस के लिए भी आपके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उनको आपसे बोला जाता है लिखने के लिए, अगर आप लिख के दिखाते हैं तो उनको चेक भी किया जाता है। और साथ में इंडियन इकोनॉमी का जो कंप्लीट थ्योरी बैच है, ये फाउंडेशन बैच है, ये पेड बैच है, ठीक है। इसकी अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारे लिंक भी आपको मिल जाएंगे। और डेली जो क्लास होती है इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे एक्नो फेयर बाई केयर सर नाम से टेलीग्राम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक हैं, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपना फीडबैक, ऐसी और वीडियो पाने के लिए अपना फीडबैक भी दें। और आगे आइए बात करते हैं। देखिए, अब देखो यहाँ पे अभी न्यूज़ जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि किर्गिस्तान में क्या होता है जब अफगानिस्तान के लोग जाते हैं, देखो मतलब बेसिकली तो अफगानिस्तान को लेकर वो एक मतलब जेनोफोबिया है, ठीक है, कि मतलब अगर पाकिस्तान लोग भी जाते हैं तो पाकिस्तानी लोगों को भी उनसे ट्रीट किया जाता है कि कहीं अफगानिस्तानी ना हो, इस वजह से उन पर जो है ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और ज़्यादा उनको सुरक्षा मानकों से गुजरना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी ने भी डॉक्टर यश जयशंकर जी ने भी जो है ट्वीट किया और लिखा कि यहाँ जो है हम क्या है, हम मॉनिटर कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स की जो बिस्केक में सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और साथ में जो है हम स्टूडेंट्स को एडवाइज कर रहे हैं कि वो घर में रहें और साथ ही एम्बेसी के टच में रहें। यहाँ तक किर्गिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी है उसने भी जो है लिखा कि हम स्टूडेंट्स के साथ टच में हैं, और 24/7 उन्होंने जो है एक नंबर जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिससे जो है क्या कहते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि आखिरकार देखो किर्गिस्तान क्या है। किर्गिस्तान की मैं बात करूँ तो किर्गिस्तान, पहली चीज़ हम यहीं आ जाते हैं, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखो जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान पहली चीज़ जो है एक आपने देखा कि 90% मुस्लिम आबादी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन किर्गिस्तान में आपने देखा कि सेकुलरिज्म है, ठीक है, कोई ऐसा मतलब, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। और करप्शन ज़्यादा होने के साथ साथ क्या है कि अगर मान लिया कभी भी कोई भीड़ या मतलब लोग कुछ करना चाहते हैं, कोई विद्रोह करना चाहते हैं, किसी को मारना चाहते हैं, तो पुलिस आने नहीं आती है, ठीक है, पुलिस आने नहीं आती है यहाँ पे। यहाँ तक कि अभी हाल ही की बात है कि जो है पिछले साल की, कि एक नाइजीरियन टीचर थे, ठीक है, एक नाइजीरियन टीचर थे, और इनको क्या किया गया, नाइजीरियन टीचर को वहाँ के स्टूडेंट्स ने मार दिया, ठीक है, और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी कमी दिखती है कि जब वहाँ की पब्लिक कुछ करना चाहती है तो पुलिस भी और प्रशासन भी रास्ते से हट जाता है और कुछ नहीं करता है। रीज़न क्या है, वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, याद है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ठीक है, CPI, इसमें जो भारत है, भारत की रैंक मैंने आपको बताई थी कि 93 है, और जबकि किर्गिस्तान की रैंक जानते हैं क्या है, किर्गिस्तान की रैंक है 141। अब ऐसे में देखिए कि यहाँ पर जो है कितना ज़्यादा करप्शन है, कितने पीछे की रैंक आपको मिली है। तो ये करप्शन भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो है करप्शन की वजह से पब्लिक वहाँ पर हावी है पुलिस प्रशासन के ऊपर, ठीक है।
तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। और अब सवाल ये उठता है आपके सामने, एक सवाल ये आता होगा कि आखिरकार हमारे यहाँ भी तो कॉलेज हैं, तो ये MBBS की तैयारी करने के लिए जो है स्टूडेंट्स वहाँ क्यों जाते हैं, ठीक है, क्यों जाते हैं वहाँ पे भाई, क्यों जाते हैं? तो अब यहाँ पे देखो ये बात ये है कि यहाँ की जो MBBS की पढ़ाई है, पहली चीज जो अफोर्डेबल है, ठीक है, पहली चीज यहाँ की पढ़ाई अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल के साथ साथ यहाँ पे जो है क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन है। और तीसरी चीज क्या है, यहाँ की जो डिग्री होती है वो इंटरनेशनल रूप से जो है मान्य है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की होती है, ठीक है, तो इंटरनेशनल स्तर पर मान्य है, इसीलिए यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं, ठीक है। तो खैर आप ध्यान दीजिएगा, ऐसी ही बहुत सारी जानकारी के लिए आपको डेली वीडियो दिया जाता है, डेली वीडियो बना के दिया जाता है, तो जुड़े रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है और आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिल चुकी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी दूसरे लोगों तक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।